तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जी हाँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक्सेल के अंदर में, कि एक्सेल के अंदर में किस तरह से हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करते हैं, ये हमारी आज की टॉपिक है। क्योंकि पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हम डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं, कि डिम आर एज एन टीजर क्या है, लॉन्ग क्या है, वगैरह वगैरह, ये हमने आपको लास्ट क्लासेस में समझाई थी। तो आज की सब क्लासेस में हम आपके साथ बातचीत करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन की। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूं। और यहां डेवलपर में आते हैं, विजुअल बेसिक, और यहां पे एक नया मॉड्यूल ऐड करते हैं। स्क्रीन दिख रहा है सही, या जूम कर दूं? नहीं दिख रहा अभी तक तो ठीक है। तो यहां पे मैं सब्जेक्ट देता हूं कोई भी, जैसे कि हमने बताया था कि कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। तो मान लीजिए कि रेंज के ऊपर नेम है हमारा, और यहां पे मान लीजिए क्वार्टर वन है, क्वार्टर टू, और मुझे यहाँ पे ग्रोथ का देखना है। तो मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। फिलहाल तो मैं मैनुअल कैलकुलेशन कर रहा हूं। अगली क्लासेस में हम आपको बताएंगे किस तरीके से हम लूपिंग का यूज करते हैं। मुझे ग्रोथ निकालना है, तो यहां मैं करूंगा डिम क्वार्टर वन कॉमा क्वार्टर टू। अब यहां पे देखिए, सेम कास्ट के अगर दो वेरिएबल डिफाइन करना है तो जनरली लोग क्या करते हैं कि डिम आर एज ए लॉन्ग ऐसे कर दिया, फिर नीचे अगेन डिम क्वार्टर टू एज ए लॉन्ग। ठीक है सर? तो अलग अलग लाइन में ना लिख के आप यहां इकट्ठा लिख सकते हैं, कॉमा क्वार्टर टू एज ए लॉन्ग। अब मुझे एक, क्योंकि मुझे परसेंटेज में हमारा रिजल्ट आ सकता है, तो मुझे यहां पे एक डबल डिफाइन करना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि परसेंटेज हमेशा डेसिमल में आता है। तो डिम आर एज ए डबल, अब इसे आर एज ए डबल हमने यहां पे किया था, तो मैं यहां कॉमा करके आर एज ए डबल यहां भी कर सकता हूं। ठीक है ना? तो ये आपकी एक लाइन में हो जाएगी, दोबारा से डिम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ तरीके थे जो कि हम आपको समझा रहे थे। अब कुछ लोग बोलते हैं सर, वेरिएबल के बगैर भी तो काम किया जा सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे यहां रिजल्ट निकालने हैं, तो मैं सिंपल लिखूंगा रेंज डी थ्री डी टू होगा, हाँ डी टू डॉट वैल्यू इक्वल टू, डी टू डॉट वैल्यू इक्वल टू रेंज सी वन, क्योंकि हमने ग्रोथ की बात की थी, तो लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट होता है ना, लेटेस्ट माइनस रेंज डी वन डॉट वैल्यू डिवाइड बाई रेंज बी वन डॉट वैल्यू। तो अब यहां पे देखिए एक दो चीज देखिए, एक तो लंबा कोड आपका हो गया ना। अब चलो मान लो कि ये आपका रेंज सेम सीट का है। अगर अगर डिफरेंस सीट का होता तो इसके आगे डिफरेंस सीट का नाम आता, डिफरेंस फाइल का होता तो डिफरेंस फाइल का नाम होता। तो सोचिए कितना बड़ा लंबा कोड हो जाता। तो कैलकुलेशन में, तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन कुछ मल्टीप्लेक्स कैलकुलेशन और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगा तो उसमें कंफ्यूजन होगी, ब्रैकेट की, कॉमा की, स्लैश की। तो उसी लिए हम क्या करेंगे कि वन बाय वन पहले यहां पे स्टोर करेंगे क्यू वन इक्वल टू रेंज बी वन डॉट वैल्यू। अब हो सकता है कि डिफरेंस सीट का हो, तो मैं इसका यहां पे सीट वन मैं डाल देता हूं, सीट
seat, seat one dot. ठीक है सर, अब नीचे जो कैलकुलेशन होगा आसान हो जाएगा। अब यहाँ फाइल का अंदर फाइल होगा तो मैं अंदर फाइल रेफरेंस दे दूंगा यहाँ पे सी। तो यहाँ पे सिंपली हम कर देंगे डी आर इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन। तो कैलकुलेशन में भी आसानी पड़ रही है ना सर, क्योंकि फॉर्मूला हम आपस में कर रहे हैं। अभी रेंज देखना पड़ेगा कि सीट में रेंज सी वन कौन से क्वार्टर के लिए यूज करता है, बट यहाँ आसानी हो जाती है कैलकुलेशन। उसके बाद क्योंकि रिजल्ट तो आर वन पे है ना, तो उसके बाद हम यहाँ पे ये कर देंगे कि इक्वल टू तो अब आप यहीं पे देख लीजिए कि वेरिएबल की होने से कितना हमारा फायदा हो गया। अब मैं इसको रन करूंगा तो रिजल्ट आ जाए, एक टाइप मिक्स मैच। सी वन कर दिया, माफ कीजिएगा टू होगा ना, आ गया रिजल्ट। बट रिजल्ट जो है वो डेसिमल में आया है। मैं चाहता हूं कि जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आया किसमें, परसेंटेज में। तो आप एक तो यहां यहीं पे परसेंटेज का फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बहुत तरीका है कि आप रेंज को ही यहां पे फॉर्मेट कर सकते हैं कि फॉर्मेट आर यहां पे कॉमा 0.0%, या फिर रेंज डी टू के ऊपर ही नंबर फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं ना आप। अच्छा इन्वर्टर कॉमा भी क्लोज हुआ है, ओके। एक बार समझ में आ गई थी आपको। अब दूसरी कैलकुलेशन हम बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे प्रिंसिपल। अच्छा मेरे को एक चीज बताइए ना, हाँ? ये आपने जो वो वीबी लिखा था उसमें एरर सेकंड लाइन पे आया था, फर्स्ट लाइन पे क्यों नहीं आया था? क्वार्टर वन को उसने स्टार ले लिया होगा, क्वार्टर ले लिया होगा कुछ, जैसे कि है ना यहाँ पे प्री डिफाइंड की है जो एक्सेल समझ जाता है। जैसे मेरे पास प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, अब मुझे यहाँ पे अमाउंट निकालना है। तो कैलकुलेशन मैं एक्सेल में चीज पढ़ाता हूँ मैं कि प्रिंसिपल का, हालांकि हमारे पास पीएमटी का एफबी का फॉर्मूला है, सॉरी एफबी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है, हम लगा सकते हैं। लेकिन मैं वीवीएम में मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, मतलब कि हम मैथमेटिकल के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? तो होता है अमाउंट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय वन प्लस आर डिवाइड बाय एन डिवाइड पावर ऑफ पी मल्टीप्लाई बाय एन। यहाँ पे एन होता है मंथ, मतलब कि एक साल में कितना पीरियड है, किस पीरियड में आपका लोन इंटरेस्ट के साथ ऐड हो रहा है, मतलब कि मंथली लोन क्रिएट हो रही है तो आप 12 डालेंगे, हाफ ईयरली हो रही है तो 2 डालेंगे, क्वार्टरली हो रही है तो 4 डालेंगे। तो चलिए यहां पे एक नया मार्क को बनाते हैं, सब्जेक्ट आर आर स्लैश वन ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहां देंगे हम ये देंगे ना डिम पी एज ए लॉन्ग कॉमा आर एज ए डबल, क्योंकि परसेंटेज डबल में होता है, डेसिमल में होता है, और सी एज ए बाइट। क्यों? क्योंकि मंथ जो है वो 200 से ज्यादा मंथ नहीं होगा, ठीक है सर। हाँ। अब एक और है रिजल्ट के लिए, यहां पे डबल आर, यहां पे आर एज ए आर तो है ही, अमाउंट अमाउंट एज ए डबल P इक्वल टू रेंज
बी वन डॉट वैल्यू आर इक्वल टू रेंज बी टू डॉट वैल्यू एंड टी इक्वल टू रेंज सी थ्री डॉट वैल्यू यहीं पर है आपका बी वन बी टू बी थ्री सही है। अब यहां हम करेंगे अमाउंट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय वन प्लस आर डिवाइड बाय टू है, लेकिन इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि बोर्ड मास मेथड को फॉलो करना है। देन पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय 12 और इन दोनों को हमें ब्रैकेट में डालना होगा। अब सोचिए ना कि अगर ए नहीं होता तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, वेरिएबल नहीं होता था क्या सर? तो रेंज बी फाइव डॉट वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट ओके। अब मैं इसको रन करता हूं, ये यहां पर सी बी थ्री होगा ना सर, ये टी वाले में। हाँ हाँ बी थ्री होगा, माफ कीजिएगा गलत हो गया। आ गया रिजल्ट। अब इस रिजल्ट को आप चाहते हैं कि ये इसमें हो जाए, मतलब कि राउंड फिगर में हो जाए, तो यहां अमाउंट एज डबल लिया है तो यहां हम ले लेंगे लॉन्ग, समझे? ओके ठीक है। अब अगर हम अब बात करते हैं कि मैं यहां पे ईएमआर निकालना चाहता हूं एमआरपी, ठीक है, तो मान लीजिए कॉस्ट, अब इसमें ऐसे छोड़ देता हूं, मैसेज बॉक्स में लेता हूं, हाँ सब्जेक्ट एमआर एम से दे देता हूं, एम एज ए लॉन्ग एम ब्रैकेट दे देता हूं यहां पे। अब जैसे कि मान लीजिए कि किसी कंपनी का कॉस्ट यहां पे किसी और देख सकते हैं डिम, मैं करता हूं सी एज ए लॉन्ग होना चाहिए, लोड पिक्चर हो गया लॉन्ग कॉमा और एम आर पी एज ए डबल सी इक्वल टू मान लीजिए 50। तो इसमें क्या है, अब एम आर पी इक्वल टू हमने सी कर दिया। अब क्या है कि बोलता है कि एम आर पी इक्वल टू एम आर पी मल्टीप्लाई बाय 0.05%। यहां पे परसेंटेज जो आप डालेंगे वो डेसिमल में डालेंगे, क्योंकि परसेंटेज का सिंबल नहीं डालेंगे, माफ कीजिएगा 5% डायरेक्ट नहीं दे सकते आप। तो यहां पे हमने देखिए, यहां पे देख रहे हैं एमआरपी, यहां पे एमआरपी इक्वल टू सू है, मतलब कि 50 है, ओके। और यहां आप देख रहे हैं कि एमआरपी इक्वल टू एमआरपी का 5% प्लस एमआरपी, तो यहीं पे हमने एमआरपी को ओवरराइड कर दिया। तो यहां पे हम उसी सेल की उसी वेरिएबल की कैलकुलेशन उसी के ऊपर स्टोर कर सकते हैं, तो यहां पे जाएगा हमारा 10%, यहां हो जाएगा हमारा 15% और लास्ट में 20%। मतलब कि मैं समझाता हूं कि कोई प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा हुआ 50 रुपए का, तो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, अपना 5% का कमीशन रखा और डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने खरीद पे 10% का कमीशन रखा और होलसेलर को दे दिया, होलसेलर ने अपने खरीद पे 15% का कमीशन रखा और रिटेलर को दे दिया, और रिटेलर ने 20% कमीशन रखा और किसको दे दिया,
कंज्यूमर को, मतलब कि एमआरपी फाइनल यही हुई। अब यहाँ पे मैसेज बॉक्स में कर देता हूँ एमआरपी बॉक्स एमआरपी, तो आप देख सकते हैं कैलकुलेशन की। तो इस तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैंने बताया। अब आप जो है एक आप जो है पांच मैथमेटिकल कैलकुलेशन बनाइए और मुझे मेल कीजिए। जी हाँ, 5 मैथमेटिकल कैलकुलेशन बना के आप मुझे मेल कीजिए। राइट सर, ओके, कोई डाउट तो नहीं सर? नहीं नहीं। तो आराम से 5 मैथमेटिकल, देखिए मैथमेटिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्या होगा कि वेरिएबल्स को समझने में आसानी होगी, क्योंकि मैथमेटिक्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ का वेरिएबल होता है, उसका यूज कीजिए। बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि स्ट्रिंग का इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि फिर उसमें कैलकुलेशन नहीं होगी। डे टू डे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं आप, मतलब इस टाइप का जो आपने सिखाया, मतलब स्ट्रिंग वाला यही कैलकुलेशन करें ना, ये नॉर्मल वाला? हाँ, मतलब स्ट्रिंग मतलब नहीं समझे, स्ट्रिंग पे कैलकुलेशन नहीं होती। अगर स्ट्रिंग करके उस पर वैल्यू 50 स्टोर कर देंगे तो 50 उसको मल्टीप्लाई स्टैक वगैरह नहीं कर सकते। हाँ, आपको मैसेज बनाया कि द एमआरपी इज ऑफ द मैसेज सेंटेंस बनाना है तो उसको स्टोर कर सकते हैं स्ट्रिंग पे, क्योंकि स्ट्रिंग पे टेक्स्ट होता है, एबीसीडी होता है ना सर। हाँ ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं कल सेम टाइम, कल 9:30 बजे। हाँ ओके, 9:30 बजे, ओके बाय।